हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 11th स्टैंडर्ड के जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चालू है उसके अंदर जिन लोगों को रिजर्वेशन है या कास्ट सर्टिफिकेट है या अदर बोर्ड्स है, जिनको भी अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देने के लिए कहा गया तो कैसे करेंगे। तो ये एक PDF है जो आप देख सकते हो, ये इंग्लिश और मराठी दो भाषाओं में है। तो ये दो पेज है, इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले ये जो अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसका आप प्रिंट ले सकते हो। अगर आपके पास सुविधा है प्रिंट लेने की तो प्रिंटर के जरिए प्रिंट कर लो और उसके बाद मैं जैसे बता रहा हूँ उसको भर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर की सुविधा नहीं है, आप प्रिंट नहीं ले सकते, तो आपको एक सादे इस तरह से वाइट पेपर पर या ड्राइंग पेपर ले लो, घर में जो भी पड़ा होगा A4 पेपर ले लो, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अगर आप इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में, या यही चीज़ें जो है मराठी में भी अवेलेबल है। जो देखो ये अभी मैंने फ़िलहाल इंग्लिश पेज लिया हुआ, ये देखो ये मराठी पेज आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मराठी पेज है, आप मराठी में भी लिख सकते हैं, इसको हमी पत्र बोलते हैं, ठीक है। इसको हाथ से लिख के पेन से हैंड राइटिंग में और भर के आप जमा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक इंग्लिश बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मराठी में भी कैसे भरना है, कि कोई भी एक ही भरना है हमी पत्र अंडरटेकिंग। क्या करना है देखो, सबसे पहले क्या, दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट हु आर अनेबल टू अपलोड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, यानी ये सबको ही भरने बोला गया। तो अगर आप फॉर्म फिलिंग के टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो आपको भरना है। तो यहाँ पर चलो मैं दिखाता हूँ, हाईलाइट हो इसलिए मैं अलग रेड कलर ले रहा हूँ। नेम ऑफ द, जैसा नाम आपका मार्कशीट पर होता है वैसा नाम लिखो, मैं यहाँ पर एक लिख के दिखाता हूँ। ओके, इस तरह से ये स्टूडेंट का नाम हो गया, यहाँ पर समझो उनके पिताजी का नाम हो गया, ओके तो समझो ये इस तरह से आपने भर दिया। ओके, अब आगे देखो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, अभी तक आपका फॉर्म नंबर जनरेट नहीं हुआ है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको खाली भी रख सकते हो, या चाहिए तो आप लॉगिन आईडी डाल दो यहाँ पर। ओके, कुछ तो डालना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक लॉगिन आईडी डाल रहा हूँ, समझो कुछ जो भी जनरेट हुआ था मेरे एक फॉर्म का, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ओके, इसके बाद कैटेगरी है, अगर समझो आपका कास्ट कैटेगरी आ रहा है जो भी, तो आप OBC में है तो OBC डाल दो। ओके, अगर कैटेगरी जनरल है तो जनरल भी डाल सकते हो। ओके, अदर बोर्ड है तो SC ST NT जो भी है वो डाल दो। आई अंडरस्टैंड साइन बीइंग एन एप्लीकेंट स्टूडेंट हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द रीजन ऑफ, अभी आप पुणे नासिक औरंगाबाद जितने भी रीजन है, या MMR रीजन मुंबई के लिए, तो जिस रीजन में भी आपने सेलेक्ट किया है वो रीजन यहाँ डाल दो। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आप आने वाले 3 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। सपोज आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ क्या लिखा, प्लीज़ मार्क टिक, ओके, एट द डॉक्यूमेंट विच इज़ टू बी सबमिटेड लेटर। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप बाद में देने वाले हो या अभी होगा, तो आप यहाँ पर अगर समझो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर आप अभी अपलोड कर रहे हो तो अपलोडेड, ओके अपलोडेड लिख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट है तो। अगर नॉन क्रीमी लेयर आपके पास नहीं है, अगर है तो यहाँ अपलोडेड लिख दो, नहीं है तो यहाँ पर इस तरह से टिक कर दो। स्टैंडर्ड 10th स्कूल LC तो आपके पास होगा नहीं, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। सपोज ये अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास नहीं और आने वाला है तो इसको यहाँ कुछ मत लिखो, यहाँ पर टिक कर दो। समझ में आ रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो तो अपलोडेड लिख दो यहाँ पर रिमार्क में, अगर नहीं है बाद में दोगे तो यहाँ टिक कर दो। जो जो डॉक्यूमेंट आप बाद में देने वाले उसको यहाँ टिक कर देना। अगर समझो आपको कोई और डॉक्यूमेंट बाद में देना है, समझो आपको और डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि कुछ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट या इस तरह से कुछ है, उसको यहाँ लिख दो और उसको यहाँ टिक कर दो, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको लगे कि मुझे बाद में देना है। ओके, या आपके उस प्रोफाइल में दिख रहा है ऑनलाइन में, यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, तो आप कॉलम यहाँ पर 4, 5, 6 इस तरह बढ़ा भी सकते हो, जितना कॉलम चाहिए। ओके, नोट क्या दिया, इफ़ यू हैव अपलोडेड एनी सर्टिफिकेट और इट्स एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्लीज मेंशन इन इट्स रिमार्क, यहाँ अगर किसी आपने रिसिप्ट या तो सर्टिफिकेट अपलोड किया तो यहाँ पर उसकी डिटेल देनी है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द एंट्री इज मेड बाय, मतलब आप यहाँ पर बता रहे हो कि सारी की सारी एंट्री सही है। ओके, आप क्या करोगे, एज ए स्टूडेंट आप यहाँ सिग्नेचर कर दो, आपका जो भी सिग्नेचर होगा इस तरह से आप सिग्नेचर मार दोगे, और यहाँ अपने पेरेंट्स से करवा लेना सिग्नेचर, आप खुद मत कर देना। ओके, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो भी साइन होगी वो करवा लो पेन से, पेपर पर आप कर रहे हो ना, ये आपने प्रिंट लिया था, और जिनके पास सुविधा नहीं है प्रिंट की उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसको हाथ से लिखा था, ये सब कुछ हाथ से लिखा था, और सब कुछ इस तरह से भर देना, ठीक है। यहाँ क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर में अगर आपके फॉर्म पर कोई नंबर दिख रहा है आप चेक कर लो, वो लिख दो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो आपका लॉगिन आईडी लिख देना ताकि आपकी पहचान होती रहे। ओके, और ये आपके प्रोफाइल में अपलोड हो रहा है, मतलब आपने ये जो प्रूफ दिया ये सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि आप अपने बाद में ये ना बोलो कि मैंने 3 महीने में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो मेरा एडमिशन क्यों कैंसिल करो, क्योंकि अगर आप 3 महीने में डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा कॉलेज के जरिए। ओके,
तो अगर मराठी में करना है तो मराठी में देखो ये है, वही चीज़ है यहाँ पर, विद्यार्थियांचे नाव, प्रवेश अर्ज क्रमांक, जात प्रवर्ग, ये जो है, ये जो रीजन है, क्षेत्र, MMR पुणे, नासिक, औरंगाबाद, जो भी है वो लिखेंगे, यहाँ टिक करना, वही मराठी में है, ठीक है। तो आपको जो भी लगे वो कर सकते हो, बस इतनी ही जानकारी बतानी थी आपको। उम्मीद करूँगा जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये आप चाहते हैं कि डाउनलोड करना, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारियों के साथ। बाय।